क्या बात है प्रिया? फौजी ने मना कर दिया, पति महाराज मना कर दिया है, इधर आओ भगवान। इधर आओ गुरुदेव, मैं आपसे कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। आपने अगर मुझे वचन दिया है तो वचन पूरा करो। हमारे लिए हमारे जागेश्वर भैया मनोहर हमारे क्या हुआ? 20 रुपया तुम्हें रो क्यों रहे हो बाबा जी? गुरुदेव हमारे बड़े भैया पूर्व मित्र हैं हमारे, मालूम पड़ता है वचन दे करके आप पाछे हट गए हो। गुरुदेव सोच लो समझ लो, कुछ देर का फेर है, तुम्हारा पाप का घट भर चुका, बस फूटने की देर है। जिस जबान से तुमने हमें वचन दिया है, या तो मेरा वचन पूरा करो, और अगर वचन नहीं पूरा करते हो तो हम तुम्हारी जीभ काट लेंगे। इसी से तुमने हमें वचन दिया है, तो वचन पूरा करो। क्या कोई बात है? गुरुदेव हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, हमें जिंदा छोड़ दे, हम अम्मा की नहीं ले पाएंगे। अम्मा की नहीं ले पाएंगे? खैरी खबर दुआ, क्या भक्त हो माँ के? भगत होंगे तो गुरुदेव कहाँ माँ है तुम्हारी? पीछे की दरिया हूँ कनाडे खोल रहे साटिक, हमारी रेखाएं नहीं तुमने देख पाई। ये हमारे जो भाग्य की रेखा है वो क्या तुम्हारे इस पत्रा में लिखी है? कौन है मालिक भैया? लला के पापा कहाँ है? एक एस भैया कहाँ है? लला के बब्बा हुए, लला के दबुआ हुए, जय खुला बाबा है। कम से कम 2-3 पंगुनी पैसा ले आओ। बाबा जी दारू पी लेते हो? नहीं छोड़ चुके हैं, अब मौका लग गया सूटी हो ले। छोड़ दी और मौका लग जाता तो पी लेते हो? कोई बात नहीं, पत्रा खुला है तो बात है, का मतलब? तुम्हारे जैसे महात्माओं ने हमारे देश भारत की बर्बादी की है। सारा दिन मांगा, दुकान बेच लिया, क्वार्टर लिया, मौज की, तो उन्हीं में के तुम मालूम पड़ते हो हमें। हम बिल्कुल पूरे महात्मा। कौन है भैया मालिक मुखिया? दे दो इन्हें दक्षिणा। राम राम गौ राम जानू परमा गुरु नाम मंत्र उठो के दो भैया देव, थोड़ा थोड़ा लेते देते चलो तो अच्छा लगता है। ऐसा मालूम पत के बिल्कुल जो है गांव में कोई है ना, सब सांप सूंघ गौ हो हैं। खोल दो गुरुदेव, लेकिन ये हमें दे तुम्हारे मन में कहीं गिर जाएंगे। ना तुम पे गिर पड़े, हम पे ना गिरे। खोलो पत्रा। तुम्हारा नाम क्या है, एक बात बताइए पहले। मेरा नाम राजा प्रथम उर्फ वीर सिंह। तुम्हारे साथ में? हमारे साथ में हमारी प्राण प्रिय रानी मंजा है, जो पुत्री राजा अजय पाल की है। ये क्या किया? अरे लबु लगाओ तो।
पन्ना नरम पंडिया लब हर जगह काम को तो हाँ क्या लिखा है हमारे बारे में। तुम्हारे ऊपर चार अपराध लगे हुए, अपराध सात अपराध लगे हुए। क्या हमारे तुम्हारे सात जन्म की कौन कहता है सात जन्म तक संतान पैदा नहीं हो। क्या सात अपराधों का बोझ हमारे सर पर है? हाँ मुझे तो याद नहीं, मैंने तो कोई पाप किया नहीं। मैं याद दिलवाऊंगा, बताओ गुरुदेव। अगर तुम्हें चिल्लाते इसमें हमारे नक्षत्र के बारे में लिखा है मास्टर। सुनो, तुमने पहला पाप कौन सा किया है? देखो हम बाबा आदमी झूठ बोल नहीं पा रहे। हाँ सुनो, तुमने पहला अपराध कौन सा किया है भाई? जानना चाहता हूँ। अरे कुमारी, अरे कन्या, अरे प्रथम तुम ने, अरे नियुति, अरे लैया मैया का ढोला नहीं है, बैठ के सुनते रहो भाई साहब। तुमने कुंवारी कन्यों को न्योता था? याद नहीं है भगवान। कन्या तुमने आंगन में बैठा दी। एक बात बताइए, इन भैया ने दावत की है, और हमारे राम लड़ते भैया हैं संतोषपुर निवासी, ये 20 रुपया बाबा के लिए पुरस्कार करते लिखे नहीं जाएंगे। तुमने एक बात बताइए, हाँ इन भैयों ने दावत की है, सब आदमियों को आंगन में बैठा दिया, इन्होंने धोखा उठाया? नहीं, सबको खिलाया है। तो सुनो, तुमने क्या काम किया है? मुझे कुछ याद नहीं है। अरे भूखी रे कन्या, अरे तुमने अंगना से भजा, अरे मेरे राजन, अरे कन्या को लगो भाई, अरे तुम पर अपना एक हो गया है। बोले 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 दूसरा पाप तुमने कौन सा किया है? हेलो हेलो हेलो, गाय पानी पीने के लिए तुम्हारे तालाब पे आई थी, उन्हें तुम्हें प्यासा भगा दिया। अरे मेरे राजन, अरे कहीं को लगो अपना, दो पाप हो गए। हाँ गुरुदेव, ये दो पाप मुझ पर हो गए हैं। तीसरा पाप तुमने कौन सा किया है वो भी बताओ। अरे
सौ हिरनी थी, अकेला हिरन था। मुझे कुछ याद नहीं है गुरुदेव, अरे मेरे राजन मेरे सौतार हिरन को लगो अपना। ये तीन पाप हो गए गुरुदेव, अकेला हिरन था। हाँ हाँ, तुमने जाकर के हिरन के तीर मार दिया। सो हिरनी कहने लगी कि प्रथम तुम्हारा सत्यानाश चला जाए, चौथा पाप तुमने कौन सा किया है वो भी बताओ। महाराज तुम्हें याद नहीं है? मुझे गुरुदेव कुछ याद नहीं है, मैंने क्या क्या किया क्या नहीं किया है। जिस वक्त श्रवण कुमार अपने माता पिता को तीर्थ कराने के लिए ले जा रहे थे, एक वन में जाकर के अंधी और अंधों को जब प्यास लगी, श्रवण कुमार से माता पिता कहने लगे, बेटा मुझे बहुत भारी प्यास लगी, कहीं से थोड़ा नील ला करके मुझे पिला दो। श्रवण कुमार ने कमंडल को उठाया और जाकर के सरजू के किनारे पर पहुंच गया। तब तुम मामा दशरथ के रूप में थे। आहा, तुमने तो गुरुदेव हमारे नेत्र ही खोल दिए। उस समय की बात आप कह रहे हो, मुझे बता रहे हो कि जिस समय मेरा राजा दशरथ का रूप था, जब मैं शिकार करने गया, धोखे में मैंने श्रवण कुमार के बाण मार दिया था। सुनो, आया याद। अरे सगोरे भनई दायरे प्रथम तुम नहीं अपनो बमाल। अरे की संकट सात तो जन्म लो तुम्हारे गुरुदेव। तो इन्हीं अपराधों के कारण हमारे कोई औलाद नहीं है, कहाँ जाओगे? वन में तपस्या करेंगे। आप तपस्या करने तो चले जाओगे,
लेकिन जो वचन दिया उसका क्या होगा? तो हमें गवा लौड़ा लौड़िया दोनों दो गुरुदेव, चार अपराध तुम मुझ पर बता रहे हो कि चार अपराध तुम पर लगे हुए हैं, संतान नहीं होगी। नहीं हुए हैं। या तो दिया हुआ वचन पूरा करो, अगर दिया हुआ वचन नहीं पूरा करते हो तो चार अपराध हम पर पिछले हैं और पांचवा तुम। अरे जब मैं अपराधी है तो तुम भी, तुम्हारा भी अंतिम समय है बाबा। तो हमारे रंग चल रहा था, चल सकता हूँ। पीछे हमारी अम्मा रहते निरंकार मैया, चलो अम्बा अम्मा की लिए चले, तब हम तो निरंकार मैया से दुआ लोगे। दुआ दुआ इस वन में है माँ का मंदिर, अम्मा हमें जाए तो चलो मैं चलता हूँ। हमें गुरुदेव तुमसे मतलब है, हमें किसी से मतलब नहीं है।